The Lalan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। My Store अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या ये कहने का समय आ गया है कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध की ताकत का सही अंदाजा लगाने में चूक कर दी? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दिल्ली किसानों से घिरती जा रही है। वेट एंड वॉच का नतीजा ये निकला कि रोज किसानों का हुजूम बड़ा होता जा रहा है। आंदोलन पर जो लेबल लगाए जा रहे थे उनका गोंद दिल्ली की सीमा पर किसानों पर हुई पानी की बौछार ने ही धो दिया। अपने फैसलों से पीछे न हटने के लिए जानी जाती मोदी सरकार के पास अब क्या रास्ते बचे हैं? आज किसान गुटों के प्रतिनिधियों की एक बैठक मोदी सरकार के प्रतिनिधियों से हुई। क्या निकला इस बहुप्रतीक्षित बैठक में, बड़ी खबर में विस्तार से बताएंगे। साथ में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की आहटों का भी जायजा लेंगे क्योंकि रजनीकांत ने एक बड़ा ऐलान किया है। लेकिन सबसे पहले आप दिन का ये वीडियो देखिए। ये भोपाल की तस्वीरें हैं। वो 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात थी जब देश के भूगोल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की राजधानी में मौजूद एक कीटनाशक कारखाने से जहरीली गैस रिसी। 2,500 लोग तुरंत मारे गए। 5 लाख लोगों के सीने में उतरे जहर ने उन्हें हमेशा के लिए जख्म दे दिए। कोई कैंसर से मरा, कोई अपाहिज हो गया, किसी की आंखों की रोशनी चली गई। यूनियन कार्बाइड का मालिक वॉरेन एंडरसन भोपाल आया और मुख्यमंत्री के हवाई जहाज से ही भाग गया। पीछे छूट गए गैस पीड़ित। त्रासदी इतनी बड़ी कि मध्य प्रदेश सरकार में इसके बाद गैस राहत मंत्री बनाए जाने लगे जिनका काम होता था पीड़ितों को राहत, इलाज और मुआवजा दिलाए। आज भी मध्य प्रदेश शासन में गैस राहत और पुनर्वास के लिए एक संचालनालय मतलब डायरेक्टरेट होता है। मध्य प्रदेश में आज जितने भी पक्ष विपक्ष हैं सबके हाथों में ये मशीनरी रह चुकी है। लेकिन 36 साल बीत गए, न पूरा मुआवजा मिला न इलाज। भोपाल के बीचों बीच बने कारखाने की सफाई तक नहीं हो पाई है तो पीड़ितों के सामने मानव श्रृंखलाएं बनाने और पुतले जलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सरकार चला रहे लोगों की आंखों का पानी मर गया है। लेकिन गैस पीड़ित कहते हैं हमारे रहते इंसाफ नहीं हुआ तो हमारी औलादें लड़ाई जारी रखेंगी। गैस पीड़ित महिला कर्मचारी संघ की प्रेसिडेंट हूँ। आज आपने मानव श्रृंखला बनाई है? मानव श्रृंखला ये संकल्प लेने के लिए बनाई है कि 36 साल से सरकार की आंख बंद है, आंख पे पट्टी बंधी है, कानों से बहरे हो गए हैं। तो ये संकल्प लेना है कि आज ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक भोपाल को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनके लिए 36 साल हुए होंगे लेकिन हमारे लिए तो ऐसा है कि लड़ाई की शुरुआत है। हमारे मरने के बाद हमारी औलादें भी इस लड़ाई को लड़ेंगी। इस खबर का कोई असर हो जाएगा ऐसी खुशफहमी हमें नहीं है, लेकिन ये दर्ज होना जरूरी है कि इंसाफ नहीं हुआ। वो राजीव गांधी की दिल्ली में सरकार थी, अर्जुन सिंह की भोपाल में सरकार थी, उसके बाद कई सरकारें आई, भाजपा की सरकारें, संयुक्त मोर्चे की सरकारें, मतलब सोशलिस्ट दलों से लेकर रीजनल पार्टीज तक, लेफ्ट दलों से लेकर कांग्रेस और भाजपा तक, सब बारी बारी सत्ता तंत्र में आए दिल्ली के। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा का शासन रहा लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। ये दर्ज होना जरूरी है, उस लड़ाई के बारे में लोगों को बताया जाना जरूरी है क्योंकि लड़ाई अभी चल रही है। अब सरकार बहादुर जागे ना जागे लेकिन हमारी मर्जी है, हमारी जरूरत है और हमारा दायित्व है कि हम कहते रहें जागते रहो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण से जुड़े
आंकड़ों पर बात करते हैं, एक मोटा आंकड़ा देते हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना संक्रमण के 35,551 नए मामले आए, 526 मरीजों की मौत हुई और 40,720 मरीज ठीक भी हुए। ये तो आंकड़ा हो गया। अब आपको बताते हैं एक और जरूरी अपडेट जो कोर्ट के हवाले से आया। मास्क को लेकर लापरवाही रहती है, उस मास्क को लेकर नया निर्देश क्या है? 2 दिसंबर के रोज गुजरात उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो भी कोविड नियमों की अनदेखी करता पकड़ा जाए उससे गुजरात सरकार कोविड सेंटर पर कम्युनिटी सर्विस करवाए, मतलब सजा के तौर पर कोविड सेंटर में काम करवाए। हाईकोर्ट ने साफ किया कि ये काम नॉन मेडिकल श्रेणी का होना चाहिए। अदालत ने इस बाबत गुजरात सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात सरकार ने अदालत को बताया कि कम्युनिटी सर्विस वाले प्रस्ताव को ठीक तरह से लागू करना मुश्किल होगा। 3 दिसंबर को यानी आज के रोज गुजरात सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। हमने आपको ये खबर बताई ताकि आप समझ सकें कि कोरोना को लेकर आम लोगों की लापरवाही ने जटिल स्थिति पैदा कर दी है। रही बात सरकारी लापरवाही की, तो उस पर ललन टॉप आपको सचेत करता रहेगा। एक अपडेट दिल्ली वालों के लिए भी है और जरूरी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल उसका नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में लोगों के पास ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही थी कि बढ़ते मामलों को देखते हुए कभी भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एक खबर सूचना वैक्सीन को लेकर भी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने आज समाचार एजेंसी NI को बताया कि भारत में भी कई टीके प्रयोग के अंतिम चरण में हैं और दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी की शुरुआत में टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। अगली सुर्खी एक चक्रवात से जुड़ी है, नाम बुरेवी। एक हफ्ते के भीतर बंगाल की खाड़ी में उठा यह दूसरा चक्रवात है। इससे पहले 25 नवंबर के रोज निवार चक्रवात पुदुचेरी और तमिलनाडु से टकराया था। बुरेवी चक्रवात के चलते मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E. Palaniswamy और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की, केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बुरेवी केरल के रास्ते 4 दिसंबर को जमीन पर आएगा। बारिश अभी से शुरू हो गई है और इसके चलते मछुआरों को 3-5 दिसंबर के बीच समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। अगली सुर्खी एक सियासी तूफान से जुड़ी, जो आएगा तमिलनाडु की राजनीति में, ऐसा कई लोगों को लगता है। 24 साल से अटकलें लग रही थी कि तमिलनाडु में जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, वो पॉलिटिक्स में आएंगे। पिछले कई वर्षों में ये बात साफ हो गई कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, पर कब आएंगे बात टलती सी जा रही थी। अब तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव सर पर हैं तो रजनी अन्ना ने तारीख दे दी। आज रजनीकांत ने ट्विटर पर सूचना दी कि मैं जनवरी 2021 में अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा और इसके बारे में विस्तार से जानकारी 31 दिसंबर 2020 को दूंगा। रजनीकांत कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनूंगा, खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक किस्म का वैक्यूम आया और इसके कई दावेदार, एक तो परंपरागत दावेदार द्रमुक पार्टी जिसके मुखिया सर्वेसर्वा स्टालिन है, इसके अलावा 2 एक्टर्स पर भी नजर गई। ये एक्टर्स थे कमल हासन और रजनीकांत। कमल हासन ने अपनी पार्टी बनाई मक्कल निधि मय्यम के नाम से, रजनीकांत ने पार्टी बनाने का फाइनली ऐलान कर दिया। इससे पहले भी एक्टर्स आए हैं। पूरा द्रमुक आंदोलन सिनेमा से मजबूती से जुड़ा रहा। खुद जयललिता एक्ट्रेस थी, उनके राजनीतिक आका MGR कल्ट अभिनेता थे। द्रमुक में जो सर्वेसर्वा थे करुणानिधि, वो भी मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे, या उसके पहले अन्नादुरई जो आइडियोलॉग थे, वो भी सिनेमा की दुनिया से सक्रियता से जुड़े थे। आंदोलन अपनी ताकत पाता था कला के क्षेत्र से। बाद के नामों में विजयकांत जैसे नाम हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। इन सब के अलावा लोगों की नजर केंद्र की सत्ता में आरूढ़ भाजपा पर भी है। क्या भाजपा द्रविड़ राजनीति का विकल्प दे पाएगी राज्य में, पहले गठबंधन के जरिए फिर अपने नेताओं के जरिए? तो ये राजनीतिक गुणागणित और अपडेट चलता रहेगा, पर यह तय है कि 2021 की गर्मी सियासत के लिहाज से भी काफी गर्म होने वाली है। अगली सुर्खी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है और अगर आपका HDFC बैंक में खाता है तो आप जरूर ध्यान से सुने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने HDFC को अस्थायी रूप से
अपने सभी डिजिटल बिजनेस के लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। गौर से सुनिए, नए डिजिटल बिजनेस के लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक का आदेश है ये। दरअसल पिछले 2 साल से लगातार HDFC की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और दूसरी सेवाएं समय समय पर ठप हो रही थी। 21 नवंबर 2020 को भी ऐसा हुआ। अब RBI ने HDFC से कहा है, अपने सिस्टम में खामियों की जांच करो, जिम्मेदारी तय करो, इसको फिक्स करो और फिर रपट दो बड़ी बैंक को, यानी कि RBI को। जब RBI इन कदमों से संतुष्ट होगा तो ये रोक हटा ली जाएगी। HDFC ने कहा है कि इस आदेश से HDFC की पहले से चल रही सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी आपको भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक खाता, उसमें पैसा, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन सब सुरक्षित है। अगर आप HDFC के ग्राहक हैं तो चिंता ना करें, ये नए डिजिटल बिजनेस और नए क्रेडिट कार्ड के लिए है। आखिरी सुर्खी महाशय धर्मपाल गुलाटी से जुड़ी है। मसालों के मशहूर ब्रांड MDH के मालिक और उससे ज्यादा एक चेहरा जिनके बिना MDH के विज्ञापन में मजा नहीं आता था। दशकों से हम आदी हो गए थे दादाजी को देखने के, पगड़ी बांधे, गले में मोतियों की माला डाले और अपनी खरखराती आवाज में हम कंज्यूमर्स को शुक्रिया बोलते। आज उनकी मृत्यु हो गई। इंटरनेट और सोशल मीडिया के वो चहेते थे, 97 बरस जिए, आखिरी तक एक्टिव रहे। उन्हें प्यार से दादाजी या महाशय जी कहा जाता था और वहीं से नाम आया महाशिया दी हट्टी। पंजाबी भाषा में ये नाम हट्टी दुकान को बोलते हैं और महाशय से महाशिया बना। 1923 के साल में उनकी पैदाइश सियालकोट में हुई। बड़े हुए तो पिता के पीछे पीछे मसालों के काम में उतरे। बंटवारा हुआ, सियालकोट पाकिस्तान में रह गया और गुलाटी परिवार दिल्ली आ गया। करोल बाग में मसालों की दुकान डाली और धीमे धीमे ये दुकान एक उद्योग में तब्दील हो गई। जब MDH ने अपने विज्ञापन TV पर देने शुरू किए तो उन्होंने किसी मॉडल का रुख नहीं किया। लाल साफा बांधे गुलाटी खुद स्क्रीन पर आए और जब स्क्रीनशॉट नहीं थे तब भी उनकी तस्वीरें हमारे दिमाग की स्क्रीन पर चस्पा होने लगी और इस तरह से TV कमर्शियल्स की दुनिया में वो एक आइकन बन गए। बाद के दिनों में बाबा रामदेव ने भी ये फॉर्मूला अपनाया और अपने पतंजलि ब्रांड के खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बने। इसका फायदा जिनकी हम बात कर रहे हैं, महाशय की, MDH को मिला। 2017 में MDH ने अपने CEO को 21 करोड़ रुपए का वेतन दिया। ये भारत के FMCG सेक्टर में किसी CEO की सबसे ज्यादा तनख्वाह थी। 94 बरस के गुलाटी खुद कंपनी के CEO हुआ करते थे। आज MDH एक बड़ा ब्रांड है। 2019 में महाशय को पद्म भूषण अवार्ड मिला। उनकी सफलता के बारे में एक और बात आपको जाननी चाहिए, वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े थे, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता, दुनियादारी की समझ भी होनी चाहिए। वैसे लगे हाथों प्रमोशन की बात हो रही है तो हम भी एक प्रमोशन कर देते हैं। अगर आपने ललन टॉप का प्रोग्राम दुनियादारी नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। दुनिया भर की खबरें विस्तार से किस्सा गोई के अंदाज में बताते हैं ताकि आपकी समझ भी बेहतर हो, और आपको बताते बताते हमारी तो हो ही रही है। सुर्खियाँ यहाँ पर निपट गई हैं, अब दिन की बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एक इंतजार है कि खत्म नहीं होता इंतजार, अकेले खेत खलियान संभाल रही महिलाओं को दिल्ली से अपने घर के पुरुषों के लौटने का, जिनकी माएं प्रदर्शन में आई हैं उनके बेटों का इंतजार, दिल्ली की सरहद पर नौरातें जमीन पर सोकर गुजारने वाले किसानों के घर पहुंचने का, और इंतजार ट्रैफिक में घंटों गुजारने वाले लोगों का कि बॉर्डर खुले। इन सारी प्रतीक्षाओं के खत्म होने का सूत्र सरकार के पास है। 26 नवंबर से प्रदर्शन शुरू होने के बाद आज दूसरी बार सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई। उम्मीद बंधी कि आज सब सुलझ जाएगा, सबका इंतजार खत्म हो जाएगा। बैठक में क्या नतीजा निकला ये बताएंगे, लेकिन बैठक से पहले भूमिका समझिए। 1 दिसंबर को सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में जो बैठक हुई थी उसमें किसानों से लिखित में 3 कानूनों के खिलाफ आपत्तियां मांगी गई। आज सुबह किसानों ने 10 पन्नों में अपनी आपत्तियां और मांगे लिखकर कृषि मंत्रालय के सचिव को भेजी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय को संबोधित ये लेटर हम तक भी पहुंचा और इसमें किसानों ने 5 कानूनों को वापस लेने की सरकार से मांग की। ये कौन कौन से 5 कानून हैं? 3 कानून अभी वाले जिन पर सारा बवाल चल रहा है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, दूसरा द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, और तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020।
पहला कानून है जिसमें आप APMC के बाहर, कृषि मंडियों के बाहर बेच सकते हो। दूसरा है जिसमें आप फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। और तीसरा, जो ज़रूरी वस्तुओं की लंबी सूची लिस्ट होती थी कि जिसकी भंडारण नहीं कर सकते हैं, उससे लगी रोक हटाने को लेकर आपात में। ये बहुत ही मैंने आपको एक एक वाक्य में बताने की कोशिश की, इसकी और भी बारीकियाँ हैं। इसके अलावा दो और कानूनों को लेकर किसानों ने आपत्तियाँ दी। एक तो वायु प्रदूषण को लेकर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जिसका नाम है द कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। और दूसरा, बिजली को लेकर जो प्रस्तावित बिल है जो सरकार पास कराना चाहती है, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट। इन कानूनों को लेकर किसानों ने अपने ड्राफ्ट में बिंदुवार आपत्तियां लिखी। शुरुआत इस बात से की कि वन नेशन वन मार्केट बनाने के नाम पर सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 1976 में दिए गए एक फैसले और 1977 में जनता पार्टी सरकार के प्रस्ताव पास किए जाने के बाद से एक राज्य से दूसरे राज्य में पैदावार बेचने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। ड्राफ्ट में उदाहरण देकर बताया गया कि बिहार से मक्का पंजाब में बिकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों के किसान अपनी सब्जियां दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लाकर बेचते हैं और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। इसके बाद इस ड्राफ्ट में एक एक करके वजहें बताई गई कि क्यों वो इन 5 कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। MSP पर किसानों की दलील है कि सरकार कहती है MSP जारी रहेगी। चलो मान लेते हैं कि जारी रहेगी, लेकिन अगर सरकारी खरीद ही बंद हो जाती है तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सरकार MSP और खरीद यानी कि प्रोक्योरमेंट पर कानून क्यों नहीं लाती? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सरकार के कानून पर भी एतराज जताया गया। गन्ने की फसल का उदाहरण देकर किसान इसकी कमियां बताने लगे। उन्होंने लिखा कि सरकार कहती है कि इन कानूनों को किसानों के हित में लाया गया है, लेकिन किसानों ने इन बिलों की कभी डिमांड रखी ही नहीं थी। किसानों का खत मिलने के बाद आज सुबह केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। तीनों में लंबी बैठक चली। इसके बाद पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर विज्ञान भवन पहुंचे, जहां किसान नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होनी थी। उससे पहले कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी मंत्रियों की बैठक हुई। करीब 12:15 बजे सरकार और किसान गुटों की मीटिंग शुरू हुई। सरकार की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब के होशियारपुर से सांसद सोम प्रकाश मौजूद थे। इसके अलावा सरकार के बड़े अधिकारी भी थे। किसानों की ओर से 40 नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इसमें पंजाब के अलावा हरियाणा के किसान संगठन और UP से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी थे। 40 नेताओं में एकमात्र महिला कविता कुरुगंते हैं, जो महिला किसान अधिकार मंच की नेता है। सूत्रों से खबरें आईं कि बैठक में कविता ने ही किसानों का पक्ष सबसे ज्यादा सटीक ढंग से रखा और उनका जवाब देने में कई दफा सरकार के अधिकारी भी असहज दिखे। बैठक पहले सत्र में करीब 4 बजे तक चली, फिर लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक के दौरान ही ये तस्वीरें आईं, जिसमें विज्ञान भवन में कुछ किसान नेता जमीन पर बैठकर खाना खाते नजर आए। सूत्रों से जो खबरें आई उसके मुताबिक इन किसान नेताओं ने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया, अपना खाना बाहर से मंगवाकर जमीन पर बैठकर खाया। एक गुरुद्वारे से एम्बुलेंस में इनके लिए विज्ञान भवन खाना पहुंचाया गया। मीटिंग खत्म होने से पहले सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई। बताया गया कि किसान संगठनों ने कहा कि जब विज्ञान भवन में बैठक के लिए आते हैं तो हमें चेक पोस्ट पर रोका जाता है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि अगली बार से हम आपके लिए पुलिस एस्कॉर्ट भेजेंगे। किसान संगठनों ने सरकार के साथ मीटिंग में एक बिजनेस ब्रांड का बहुत बार उदाहरण दिया और कहा कि किसानों की हालत वैसी मत करिए, और ये भी कि बिहार के किसानों की जो आज हालत है उसके लिए सरकार का ढीला रवैया जिम्मेदार है। दिन भर के इंतजार के बाद जब मीटिंग देर शाम को खत्म हुई तो किसानों ने और सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा। ये कहा, सरकार उसमें संशोधन चाहती है कि संशोधन हो, किसान बिल वापसी चाहता है कि बिल वापसी हो। क्या सरकार ने बताया कि क्या क्या संशोधन करेंगे उन्होंने? नहीं, अभी वो नहीं बताया। अभी उन्होंने चर्चा करी कि जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी उस पर हम बात कर लेंगे। और जो मंडी है, मंडी में जो टैक्सेस है वो बाहर और अंदर एक रहने चाहिए, तो उस पर बात कर सकते हैं। तो इन ये बहुत सी चीजें हैं जो उस पर बात करने को तैयार हैं। अच्छा, आप लोग को लगता है कि ये एक फॉर्मूला हो सकता है जिसपे एक सुलह बन सकती है आंदोलन खत्म करने के लिए? अभी तो नहीं, पर 5 तारीख में क्लियर होगा कि कहाँ सहमति बनेगी। अच्छा, या नहीं बनेगी। अच्छा, आप लोग को लगता है कि अगले राउंड की जो मीटिंग होगी उसमें जो है बातचीत में कुछ नतीजा निकल सके उसमें? अच्छा, तो आप लोग आज की बैठक से संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, बैठक तो संतुष्ट है। अपनी रोटी लेकर गए, वहाँ खाई, तो बैठक तो संतुष्ट है। अच्छा, हाँ, आप लोगों ने 5 तारीख को एक राष्ट्रीय पूरा प्रदर्शन का ऐलान भी किया है, क्या वो अपनी जगह वो है? तो
ऐलान तो जो है वे तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, अभी धरनों पे जो हमारे आंदोलन है उस पर कोई वो नहीं है। अभी उड़ीसा से किसान नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनसे पूछते हैं क्या बातचीत रही आपके, अपने नाम और संगठन बताइए सर। अक्षय कुमार, नवनिर्माण किसान संगठन। बात यह है कि करीब करीब 7 घंटा जो चर्चा रही, उस चर्चा में पहला बात है जो तीनों कानून को रद्द करने का, रिपील करने का हमने जो मांग किए थे वो जोरदार मांग किए थे, और उसमें हम करीब करीब हर क्लजेस के बारे में जो 7 घंटा बात हुई उसमें सरकार संशोधन के लिए तैयार है मगर रिपील के लिए तैयार नहीं है। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने पराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है उस पर भी उनकी शंका है, इस दिशा में भी बातचीत की थी। तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है, कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी, इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। किसानों और सरकार की बैठक के समानांतर दिन भर इस मुद्दे पर जुड़ी और भी चीजें होती रहीं। आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए उनके निवास पहुंचे। इस खबर से सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ ने कहा कैप्टन ने मोदी सरकार से डील कर ली। हालांकि बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम क्यों मिलने आए ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों की मध्यस्थता में पंजाब सरकार पक्ष तो नहीं है, लेकिन हमने गृह मंत्री से अपील की कि वो किसानों की बातें जल्दी माने। मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ
इन्हां कहना आया कि जो साढ़े असी साड़ी पोजिशन है पंजाब दे विच उहनूं मैं दुराई है उन्होंने दे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि इहदा कोई हल निकलना चाहिए जल्दी तो उन्होंने अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों भी कि इहदा हल आपां जल्दी कढ़ीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी भी असर पै रहा है। कैप्टन अमरिंदर से गृह मंत्री से मुलाकात, इस पर बात हो रही थी लेकिन इस दरमियान पंजाब की राजनीति से एक और बड़ी खबर आई। अकाली दल के वरिष्ठ नेता 3 महीने पहले तक पंजाब में बीजेपी के सहयोगी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर ये बात कही। उन्होंने लिखा, मैं इतना गरीब महसूस कर रहा हूं कि किसानों के समर्थन में इसके अलावा मेरे पास त्यागने के लिए कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ किसानों का है। आज मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। अगर किसानों का सम्मान नहीं हो रहा तो मेरे सम्मान का कोई औचित्य नहीं। इसके बाद अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी ऐलान किया कि मैं भी पद्म भूषण लौटाऊंगा। ढींडसा को जनवरी 2019 में ये नागरिक सम्मान दिया गया था। इस अवार्ड के अलावा पंजाब की राजनीति में अजीब कसमसाहट भी चल रही है। 3 बड़ी पार्टियां अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी साबित करने में लगे हैं, बाकी पार्टियों को किसान विरोधी बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का लगातार ट्विटर पर झगड़ा चल रहा है। आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। ये सब क्यों हो रहा है? पंजाब में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और किसी भी पार्टी के लिए जीत का रास्ता किसानों के समर्थन से होकर गुजरता है। पंजाब का आपने जिक्र सुना, अब हरियाणा की बारी। हरियाणा में कांग्रेस खट्टर सरकार को गिराने की कोशिशों में लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 2019 में जब चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। जेजेपी रूरल एरिया की प्राइमरली पार्टी है और किसान उसका मजबूत वोट बैंक है। इन कानूनों का जेजेपी विरोध कर रही है लेकिन विपक्षी कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं तो उसी सरकार का हिस्सा क्यों है? अब कांग्रेस जेजेपी को समर्थन वापसी के लिए उकसा रही है। बुधवार को हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान आया कि जेजेपी को अब सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि विधायक संपर्क में है। उधर भाजपा ने कहा सरकार मजबूत है, उसको कोई खतरा नहीं है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब के हैं लेकिन हरियाणा के किसानों का उन्हें समर्थन मिल रहा है और ऐसे में ये सियासी अटकलबाजी भी जोर पकड़ रही है। आज कई ऐसी तस्वीरें आई और आज से पहले भी जिसमें हरियाणा के गांवों से फल, सब्जियां और खाना प्रदर्शनकारी किसानों को दिया जा रहा था, उनके लिए लाया जा रहा था। दक्षिण हरियाणा के किसानों में भी अब प्रदर्शनों में शामिल होने की आहट है और इसका सीधा मतलब है खट्टर सरकार के लिए चुनौती बढ़ने जा रही है। ये तो था दिल्ली NCR का और इससे सटे हुए राज्यों का हाल। अब देश के बाकी राज्यों में चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी, कहा कि अगर सरकार किसान कानूनों को वापस नहीं लेती तो विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। तमिलनाडु में भी DMK ने 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया। तमिलनाडु के त्रिची से करीब 100 किसान दिल्ली के लिए रवाना भी हुए थे लेकिन उन्हें AIDMK सरकार ने वही रोक दिया। उत्तर प्रदेश में भी किसानों का प्रदर्शन नजर आने लगा। आज मथुरा से किसान प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे लेकिन हरियाणा के पलवल में उन्हें रोका गया। प्रदर्शनों के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। अभी दिल्ली में पैरामिलिट्री की 9 कंपनी है, 45 और कंपनियों की स्वीकृति दे दी गई। आज दिल्ली और गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। यहाँ किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन में किसानों और पुलिस में तनाव भी दिखा। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा दिल्ली और नोएडा का चिल्ला बॉर्डर भी बंद रहा। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला DND अभी खुला है। दिल्ली और हरियाणा के बीच टिकरी और सिंघू बॉर्डर बंद है। ये थी बड़ी खबर के कुछ तथ्यों के बारे में बात। अब वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट्स का। हमारे साथी रजत शर्मा और अमितेश दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास पहुंचे। जब से किसान दिल्ली पहुंचे हैं तब से सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इतने भारी इंतजाम को फंड कौन कर रहा है? फंड कौन कर रहा है, ये एक सवाल भर नहीं है, एक लोडेड स्टेटमेंट है। खैर, ये सवाल हमने किसानों से किया। जवाब देने सामने आया एक नौजवान जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सुनिए। आप अगर इससे पहले कहीं पंजाब में गए होते, जब इन प्रोटेस्टों की तैयारी चल रही थी, हम जब गांव में जाते थे ना, जिस गांव के घर में खाने को दाना नहीं है ना, उन्होंने भी अपने घर से कटोरी मतलब गेहूं के भर के इसके बीच में डाली है। मतलब कोई ये कह सकता है ये सिर्फ मतलब
किसानों का आंदोलन ऐसा नहीं है। जब हम फंड इकट्ठा करने के लिए गए, हम जितने गांव में गए, शायद ही कोई घर होगा जो अपनी मजबूरी की वजह से इसमें अपना योगदान ना दे सका हो। एक एक कटोरी तक दी है लोगों ने कि जैसा भी हम डाल सकते हैं योगदान देंगे। आप वहाँ जाके देखिए, लोगों ने लाखों लाख इकट्ठा करके दिए कि जाइए पंजाब के गुरुद्वारों में। अभी आप जाके अनाउंसमेंट चेक करेंगे, वो अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि जो लोग गए हुए हैं दिल्ली, उनके खेतों की जिम्मेवारी हमारी है। तो ये पंजाब उठ खड़ा हुआ है। किसान यूनियनों ने जिस स्ट्रगल को यहाँ तक लेके आए हैं, उन्होंने पंजाब को उठा दिया है। पंजाब जाग उठा है, हरियाणा जाग उठा है, राजस्थान के लोग जाग रहे हैं, यूपी के लोग जाग रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग जाग रहे हैं। तो ये चेन ऑफ कमांड जैसा चल रहा है, तो हमें उम्मीद है पूरा उठेंगे। और हमारे नौजवान, पहली बार है इस संख्या में नौजवान आके यहाँ बैठ गए हैं, और नौजवानों से हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर स्टेक पे है। अब जाके ना ट्रालियों में जाके बात कीजिए कि आप कब तक बैठने के लिए। 6 महीने का राशन तो अभी पड़ा है, और जितना मतलब यहाँ पे लोगों का सपोर्ट है, जैसे लंगर चल रहे हैं, हमें लगता है हमें हमारे राशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तैयारी की तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, जो खुद लेके आए वो तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो यहाँ के लोगों की सपोर्ट से ही चल रहा है। इसके बाद ललन टॉप के साथी पहुंचे टिकरी बॉर्डर, यहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ उन्हें वो किसान मिले जो पुलिस बंदोबस्त को लांघते हुए सबसे पहले दिल्ली पहुंचे। पुलिस ने किसी का ट्रैक्टर पंचर किया, किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले गिरे। उनकी आप बीती भी सुन लीजिए। हमारे साथ आप जरा आगे आइए। बूटा सिंह, ये बूटा सिंह जी, बूटा सिंह है। बूटा सिंह जब आए थे तो सबसे पहले शुरुआती ट्रैक्टर जिनके थे, ये पीछे ट्रैक्टर है जिसकी जब आंसू गैस के गोले मारे गए तो इसको भी नुकसान हुआ, और ऐसा कि सुरक्षा बलों ने यहाँ पे भी नुकसान कुछ किया था। इनके चोट लगी है, मैं इनसे बात करते हैं कि भाई आप पिछले बॉर्डर के बारे में भी हमें बताइए, इनके यहाँ के बारे में। बूटा जी, पिछले बॉर्डर कैसे तोड़े, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे क्या हुआ वो बताइए। पहले बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर तोड़े, वो तो सानू कोई दिक्कत नहीं तोड़ते, जेड़े बॉर्डर से इतने सानू बहुत हो। पहला तोड़ा कैसे, मतलब लोग वो तो कड़े चन पापा तोड़े सी, दो चन पापा ट्रैक्टर दे मतलब कहाँ लगाते हैं यहाँ पे बताने दे रहे हैं। एक मिनट। तो ये ट्रैक्टर है जिस ट्रैक्टर पे शुरुआत के जो बॉर्डर तोड़े गए थे, हरियाणा मानसा और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर आता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच का, कौन सा बताया, बामन वाला गांव था, वहां का जो बॉर्डर तोड़ा था, वो कैसे तोड़ा था, इन ट्रैक्टर्स की मदद से तोड़ा था। ये डेंट भी शायद ट्रैक्टर पे पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रहा एक हुक लगी हुई थी, ये हुक ये टूट गई है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये यहाँ पे लगती थी, तो इसमें लगाते थे संगल डालकर वो पत्थर खींच दिए लोहे के, जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो पड़े, वो पत्थर हटा दिए इन्होंने ट्रैक्टर से। तो फिर जो सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने इन पर टीयर गैस भी छोड़ा और लाठियां भी बरसाई, और ट्रैक्टर की जो है नलकियां तोड़ दी, ट्रैक्टर को पंक्चर कर दिया, दोनों टायर, एक ट्रॉली का टायर। यहाँ पे हुए या पीछे बॉर्डर में, ठिकरी बॉर्डर में, हाँ टायर सीगा पिछला टायर, आउ टायर बड़ा टायर ट्राले, तीन टायर सीगे, तीनों नए टायर थे, तीनों तोड़ दिए, तीनों तोड़ दिए उन्होंने। हाँ, तो आपको ही चोट लगी ना, आप साडे उन्हें अथरू गैस दे किट मारी, किट अथरू गैस की। हाँ, ये उस चीज का निशान है। हाँ, दिखाई दे रहा है ये इनकी जो तार, नाका पट्टिया जख्मी है, नाका तोड़िया पट्टिया असि खिंचया ना, ਉਹ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਅੰਦਰ ਲੈ। ਤਾਰ ਲੋਹੇ ਕੀ ਤਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਜੀ, 60 ਸਾਲ ਕੀ, ਜੋ ਤਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਖੇਤੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ये हम टिकरी बॉर्डर में हैं, यहाँ पे बात की, 94 साल के बापूजी हैं यहाँ पे आए हुए, ये इनके हाथ में चोट लगी रस्सा खींचते हुए, ये ट्रैक्टर है जिसपे लगा, ये बूटा सिंह जी है, ये कपड़ा पहन के आए थे आप, ये कपड़ा पहन के, और ये पुलिस के साथ, या ये पुलिस ने सानू खिंचा अंदर लेके आंदी, गिरफ्तार करे सानू, अच्छा गिरफ्तार भी किया था, गिरफ्तार किया, खींच के ले गए, हां तक गए, नाका तोड़ के गाहा नंगे सानू गिरफ्तार, फिर उद्दू बाद गाहा गिरफ्तार कर, ये लगातार कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन पंजाब में कैप्टन की शह में बड़ा हुआ, लेकिन क्या किसानों को कैप्टन या अकालियों से कोई शिकायत नहीं है, ये भ्रम भी दूर कर लीजिए। यहाँ पे मुझे जितनी जानकारी मिली है कि सिंघू बॉर्डर का जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को उस तरीके से वेलकम नहीं किया जा रहा, आने नहीं दिया जा रहा, उनका कारण क्या है इसका। देखिए,
जब आप अकाली दल की बात कर रहे हैं, उन्होंने तब वापस लिया जब लोगों का प्रेशर बना। जिस दिन ऑर्डिनेंस आए थे उसके बाद सुखबीर बादल समझा रहा था इसके फायदे क्या हैं, बाद में प्रकाश बादल समझा रहा था इसके फायदे क्या हैं, जब लोगों ने बोला ना गला दबा दिया तब वापस लेना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर के लोग इनकी कमेटियों में जाते रहे कि भाई ये बिल बन रहे हैं, तब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ये तो किसान का प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से उनको मजबूरी में ये करना पड़ा क्योंकि उनको लगता है इसके बिना वोट का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और यहाँ पे भी इसलिए पंजाब में जो पॉलिटिकल एलीट है वो पूरी तरह से डीलेजिटिमाइज हो चुका है, लोगों का उनके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उनको यहाँ पे स्पेस देने का। हम मानते हैं कि पंजाब का जो ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है, कल्चरल क्राइसिस है, जो ओवरऑल सोशल क्राइसिस है, उसके लिए ये पॉलिटिकल एलीट जिम्मेवार है। बादल जो मर्जी बोलता रहे पर ये सबको पता है कि उसने पंजाब को लूट खाया है। कैप्टन आज बहुत जिसको बोले कि सच्चा बन के बैठा है, उसके पिछले 3 साल का उठा के देखिए, कहाँ गई जो नौकरियाँ जो हर घर आनी थी, कहाँ गया जो इसमें नशा खत्म होना था पंजाब में, वो कुछ नहीं करवा। पर वो अब अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश है सपोर्ट से, लोगों का प्रेशर इतना है, लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो लोग कल तक ऐसे गाने गाते थे लड़कियों और बंदूक से बाहर नहीं आते थे, उनको प्रोटेस्ट की सपोर्ट में धरनों पर गाना पड़ रहा है। और ये पंजाब जिसको बोलते हैं पंजाब उठ खड़ा हुआ, तो उसने ये पुश किया है, वो पुश है, उसकी वजह से यहाँ आ रहे हैं, उनको कोई इच्छा नहीं। आज के लिए इतना ही। दी ललन टॉप किसान आंदोलन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग और एनालिसिस का सिलसिला जारी रखेगा। इन सब के साथ एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए और फिक्र करिए उस ज़मीन की जिस पर लहलाती फसल हमें और आपको गर्मी देती है, खुराक देती है, जिसके ज़रिए ज़िंदगी चलती है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि कोई पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद संवाद है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।